स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं हूं वर्षा और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की थर्ड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं हम तुगलक डायनेस्टी से। तुगलक डायनेस्टी में बेसिकली तीन प्रोमिनेंट किंग आए थे, जिसमें सबसे पहले थे गियासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। इनका एक्चुअल नाम गाजी मलिक ही था, बट इन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी थी और अपना नाम लिया था गियासुद्दीन तुगलक। बात करते हैं हम गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने ही जो दिल्ली में तुगलकाबाद फोर्ट आप देखते हैं वो इन्होंने ही बनवाया था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन दिल्ली सल्तनत जिन्होंने कैनल इरीगेशन सिस्टम की शुरुआत की थी। एंड इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा मंगोल अटैक हुए थे। इनफैक्ट 29 times मंगोलों ने अटैक किया था। बात की जाए कि कैसे गियासुद्दीन तुगलक का पीरियड एंड होता है, तो 1325 में जब ये बंगाल एक्सपेडिशन से लौट रहे थे, तब इन्हीं के बेटे जिनका नाम जूना खान था, जो कि आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस हुए, उन्होंने इनके रुकने के लिए रास्ते में एक लाख का महल बनवाया था जहाँ पे इन्होंने स्टे किया था। और धोखे से ही जूना खान ने अपने ही पिता का कत्ल करवा दिया था। जब ये लाख से बने हुए महल में रुके हुए थे, तब जूना खान ने पागल हाथियों को वहां पे चढ़वा दिया था, जिसकी वजह से दब करके इनकी मौत हो गई थी। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अपने पिता को मारने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक थ्रोन पे बैठ जाता है। कहा जाता है हिस्ट्री में कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे सुल्तान थे। ये भी कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने हिंदू के फेस्टिवल में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था और होली जैसे फेस्टिवल पे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। उसके बाद ये पढ़े लिखे रूलर तो थे, पढ़े लिखे सुल्तान तो थे ही, बट हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनकी वजह से इनको वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है। बात करेंगे हम चार रिफॉर्म्स के बारे में जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू तो किया था, बट इट वॉज अ ग्रेट फेलियर, जिसकी वजह से इन्हें वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। बात करते हैं हम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का होल्ड नॉर्थ पे बहुत अच्छे तरीके से था, बट इनका साउथ में उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं था। तो इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से देवगिरी पे शिफ्ट किया ताकि वो साउथ में भी अपना होल्ड बना सके, और इस वजह से इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी शिफ्ट किया। और शिफ्ट करने के बाद देवगिरी का नाम इन्होंने दौलताबाद रख दिया था। बट शिफ्ट करने के दौरान जो डिस्टेंस इतना दूर था, जिसकी वजह से काफी सोल्जर्स की हेल्थ डिक्लाइन हो गई थी और वो मर गए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा लॉस, ह्यूमन पावर का लॉस हुआ था। सो दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद शिफ्ट करने के दौरान ह्यूमन लॉस हुआ, बट इसके अलावा भी नॉर्थ में अटैक शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से इनको अपना कैपिटल वापस से दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा था। सो इट वॉज कंसिडर्ड, द फर्स्ट रिफॉर्म वॉज कंसिडर्ड अ फेलियर। बात करते हैं हम सेकेंड रिफॉर्म के बारे में। तो उस समय की बात है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सिल्वर करेंसी का शॉर्टेज हो गया था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस किया था। बट उस कॉपर करेंसी में कोई हॉलमार्क नहीं था और कॉपर इतना अवेलेबल था कि लोगों ने अपने घरों में, अपने कारखानों में कॉपर के सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से काउंटरफिटिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इस चीज को रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑर्डर दिया कि जितने भी कॉपर कॉइन्स हैं उनको वो सिल्वर कॉइन से वापस से एक्सचेंज करे। तो बहुत सारे कॉपर कॉइन्स एक्सचेंज हुए तो सही, बट जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो ट्रेजरी था वो बिल्कुल खाली हो गया था, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा लॉस माना गया था। सो इट वॉज एन अटर फेल्योर रिफॉर्म। पहले दो रिफॉर्म से मोहम्मद बिन तुगलक को इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो चुका था कि उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने तीसरे रिफॉर्म की शुरुआत की, जिसे हम कहते हैं टैक्सेशन इन दोआब। दोआब एक रीजन है दैट इज बिटवीन गंगा एंड यमुना। टैक्सेशन दोआब में क्या हुआ था कि इन्होंने हैवी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था फार्मर्स पे, जिसकी वजह से ऑलरेडी वहां पे एक फैमिन, अकाल की सिचुएशन हो रखी थी, जिसकी वजह से फार्मर्स परेशान होकर के उन्होंने खेती करना छोड़ दिया था और वो वहां से भागना शुरू कर दिया था उन्होंने। और एट द एंड उन्होंने
एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये भी जो ये टैक्सेशन रिफॉर्म जो लाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, वो भी एक फेल्योर ही साबित हुआ एंड में आकर के। टैक्सेशन एंड दुआ में हमने देखा कि फार्मर्स ने रिवोल्ट कर दिया था और उन्होंने अपनी खेती बाड़ी छोड़ दी थी। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने तक्कावी लोन देना शुरू किया, एग्रीकल्चरल लोन देना शुरू किया, जिसे हम तक्कावी लोन भी कहते हैं। और इन्होंने एक मॉडल फार्म भी बनवाया जिसके ऊपर इन्होंने 70 लाख सिल्वर क्वाइंस स्पेंड किए थे। इसके अलावा इन्होंने एक दीवाने को ही एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की भी शुरुआत की थी। बट जब इन्होंने फार्मर्स को लोन देना शुरू किया तो खेती करने के बजाय फार्मर्स उस लोन में दिए गए पैसों को लेकर के वो भाग गए थे। तो ये भी एक अंत में फेल्योर ही साबित हुआ। तो हमने देखा कि जितने चारों रिफॉर्म जो इन्होंने शुरुआत किए थे वो एक एक करके सारे ही फेल होते गए। तो इस वजह से इन्हें एक वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमने देखा हिस्ट्री में बहुत सारे रिबेलियंस आते गए, जिनमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिबेलियंस थे जिनकी वजह से इन दो किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फर्स्ट रिबेलियन की बात करें तो उनका नाम था हरिहरा एंड बुक्का, जिन्होंने 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी। बात करते हैं अगर हम सेकेंड रिबेलियन की तो 1347 में बहमनी किंगडम की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना करने वाले का नाम था अलाउद्दीन बहमनी। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही एक बहुत फेमस मोरक्को ट्रैवलर जिसका नाम इब्न बतूता था वो इंडिया आया था इन द ईयर 1333 और उन्होंने ही एक बहुत ही फेमस बुक जिसका नाम रहला था, उन्होंने बहुत ही फेमस बुक रहला लिखी थी जिसमें उन्होंने सारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था दैट वॉज बिलोंगिंग टू मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के सारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को उन्होंने उस बुक में मेंशन किया था एंड लेटर ऑन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उनको चाइना भेज दिया गया था इन द ईयर 1342। कमिंग टू 1351 इनकी हेल्थ खराब होने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है और इसके बाद तुगलक एम्पायर इनके कजिन फिरोज शाह तुगलक के हाथों में आ जाता है। तो हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके टाइम पे। तो अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक अपने डबल कॉरोनेशन के लिए जाने जाते हैं। इनका दो बार कॉरोनेशन हुआ था, फर्स्ट इन थट्टा एंड सेकेंड इन दिल्ली। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है फिरोज शाह तुगलक के से रिलेटेड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने पहला काम क्या किया था, जितने भी टैक्स रिफॉर्म्स लगाए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उन सब 28 टैक्स को इन्होंने अपने 4 टैक्स से रिप्लेस कर दिया था। एंड दीज टैक्सेस वेयर जजिया टैक्स, जकात टैक्स, खारज टैक्स एंड खम्स टैक्स। जजिया टैक्स वॉज रिलीजियस टैक्स ऑन हिंदूज जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया गया था, जकात वॉज मुस्लिम रिलीजियस टैक्स एंड खराज वॉज रेवेन्यू टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया गया था एंड द लास्ट खम्स वॉज टैक्स ऑन लूटेड वेल्थ। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जो तक्कावी लोन सिस्टम जो रिफॉर्म स्टार्ट किया था उसको फिरोज शाह तुगलक ने अबॉलिश कर दिया। सो ही अबॉलिश द तक्कावी लोन सिस्टम। उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड इम्पोजिंग टैक्स ऑन इरीगेशन सिस्टम। इन्होंने ये एक पहले रूलर थे जिन्होंने इरीगेशन सिस्टम पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर देखें तो इन्होंने 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट किए थे फ्रॉम ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी और इनको इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। यूँ तो कैनल इरीगेशन सिस्टम की शुरुआत ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइम पे ही हो चुकी थी, बट एट द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा कैनल बनाए गए थे एंड जो लॉन्गेस्ट कैनल हम देखते हैं आज सतलुज और हंसी रिवर के बीच में वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। इसके बाद इनको फ्रूट गार्डन्स का बहुत ज़्यादा शौक था तो इन्होंने 1200 फ्रूट गार्डन्स भी बनवाए थे और इनको फ्रूट गार्डन्स के साथ साथ इनको सिटीज और टाउन्स बनवाने का भी बहुत शौक था। इन्होंने तकरीबन 600 से ज़्यादा टाउन्स और सिटीज बनवाए थे जिनमें आज हम देखते हैं जिनमें से कुछ को आप जानते ही होंगे जैसे कि हिसार, जौनपुर और फिरोज शाह कोटला जो फिरोज शाह तुगलक के नाम से फेमस है।
और बात करते हैं तो इन्हीं के टाइम पे बंगाल ने अपने अपने आप को पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत के रूल से फ्री कर दिया था। बात करते हैं अपने हिस्ट्री की, तो हमारे हिस्ट्री में फिरोज शाह तुगलक को बहुत ही एक उदारवादी किस्म का इंसान बताया जाता है। ही वॉज वेरी लिबरल इन नेचर बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसे चैरिटेबल वर्क्स किए थे जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही लिबरल नेचर का माना जाता था। उनके वर्क्स की बात करें तो उन्होंने एक दारुल सफा नामक एक चैरिटेबल हॉस्पिटल की शुरुआत करी थी और उन्होंने एक दीवाने खैरात की भी शुरुआत की थी जिसमें गरीब लोग, अनाथ और विडो वुमेन की देखभाल की जाती थी और गरीब अविवाहित लड़कियों की शादी भी करवाई जाती थी। 1388 आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है, बट मरने से पहले इन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी। इसके बाद जो भी रूलर्स आते हैं हमारे तुगलक डायनेस्टी में वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते थे, इस वजह से तुगलक डायनेस्टी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। और जो हमारे लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, ही वॉज नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। 1398 में ये अपनी राजगद्दी संभालता है, बट इस और इसी के टाइम पे एक बहुत ही फेमस लुटेरा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हिज नेम वॉज तैमूर। तैमूर 1414 में दिल्ली पर इंडिया पे अटैक करता है और पूरी तुगलक डायनेस्टी को लूटकर बहुत सारे लोगों को मार के उनकी हत्या करके और यहाँ से वो चला जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं किस तरीके से तुगलक डायनेस्टी एक ख़त्म होती हुई नज़र आती है एंड और इसके बाद खिज्र सैयद डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं आफ्टर किलिंग नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो इन द नेक्स्ट हिस्ट्री लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट सैयद डायनेस्टी। और आपका और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये थर्ड क्लास है हमारी हिस्ट्री की, इसके पहले मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी पढ़ाया है। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको ज़रूर कवर करेंगे।